करो, जारी करो, जारी करो। और कौन डेट का आदिवासी जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा। जी समाज आज अपने रीति रिवाज संस्कार परंपरा और कौशल को का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन दुख इस बात का है क्या? आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर और संपूर्ण क्रांति दिवस होता है 9 अगस्त को, जिसको लेकर गोरखपुर में कई वर्षों से लगातार जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के द्वारा हमारा जो गौन धुरिया का जाति प्रमाण पत्र जो निर्गत होना चाहिए, जो 2002 से पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का बनता आया है, हमारे बाप दादाओं का बना है, लेकिन उस आधार पर जब बात हो गई 16/1/2024 में सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सभी तहसीलदार के द्वारा बैठक हुई, इसी कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि सारे प्रमाण पत्र जो पूर्व में निर्गत हुए हैं उसके आधार पर बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन हिला हवाली कर रहा है, तहसीलदार प्रशासन हिला हवाली कर रहा है। आखिर एक तरफ जब संविधान में अधिकार मिला है, जिला प्रशासन बार बार ये कर रहा है, और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि गौंड का जाति प्रमाण पत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के कान के नीचे उनके ही जनपद में जिला अधिकारी, जिला प्रशासन, तहसीलदार, लेखपाल कानून को बदमाशी कर रहे हैं। अभिलेख पूरा होने के बावजूद, कागज कागजात पूरा होने के बावजूद, जिन परिवारों में बना उन परिवारों में बनने के बावजूद उनके बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा, जिनको लेकर आज हम अपने बहन बेटी महिलाओं के साथ, बुजुर्गों, नौजवान साथियों के साथ आज हम लोग बैठे हैं कि बार बार जिला प्रधान जो हमसे झूठा वादा कर रहा है, आज हम लोग निस्तारण करके जाएंगे कि बार बार हमारे साथ झूठा वादा क्यों किया जा रहा है। हमारे बच्चों को विश्वविद्यालयों में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई में शिक्षा में नहीं मिल पा रहा है, नौकरियों में नहीं मिल पा रहा है, ना हमें पट्टा मिल पा रहा है, तमाम समस्याएं व्याप्त हैं। जब एक तरफ हमको अधिकार है कि हमको प्रमाण पत्र जारी किया जाए अनुसूचित जनजाति का, तो क्यों गोरखपुर जिला प्रशासन रोक लगाए? उन सारे विषयों को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। शिव शंकर गौंड नाम है।